अग्रवाल समाज आखिर किस श्रेणी में है। तीन दिन तक वो सीनियर आईएएस अफसर किशनगंज डीएम के यहां दौड़े थे, नहीं बना उनका जाति प्रमाण पत्र। बाद में जब बहुत पैरवी उर्वी हुआ तब जाकर के हुजूर अग्रवाल समाज को एनेक्सर टू करके बनाया गया था। एक अशोक अग्रवाल जी यहाँ है, इनको भी मालूम होगा कि ये जब भी सर्टिफिकेट बनाने जाते हैं तो इनका सर्टिफिकेट नहीं बनता है, कम से कम पिछड़ी जाति का सर्टिफिकेट बना के दिया करेंगे। अग्रहरी वैश्य जो पिछड़ा वर्ग की कोटी में वर्णित है, तो अग्रवाल समाज को अग्रहरी वैश्य का ही जाति प्रमाण पत्र मिले। सवाल ये है हुजूर कि अग्रवाल समाज आखिर किस श्रेणी में है। सवाल ये है, अग्रवाल समाज के बारे में पूरा देश जानता है, सदन के भी माननीय सभी सदस्य जानते हैं कि अग्रवाल समाज होता है। तो अगर अग्रवाल समाज है, मुझे ख्याल है मैं नाम नहीं लूंगा इस सदन में, एक हमारे बहुत सीनियर आईएएस अफसर हैं अभी अग्रवाल, जब वो आईएएस कंप्लीट किए थे उनका घर किशनगंज जिला में ही है, तो वो डीएम के यहाँ गए अपना सर्टिफिकेट बनाने के लिए कि मैं एनेक्सर टू में आता हूँ, मेरा सर्टिफिकेट बना दीजिए। तीन दिन तक वो सीनियर आईएएस अफसर किशनगंज डीएम के यहाँ दौड़े थे, नहीं बना उनका जाति प्रमाण पत्र। बाद में जब बहुत पैरवी उर्वी हुआ तब जाकर के हुजूर अग्रवाल समाज को एनेक्सर टू करके बनाया गया था। इतना दिन हो गया, आज करीब करीब ये 25 साल होने चला हुजूर, आज तक अग्रवाल समाज अग्रहरी वैश्य इसको कहते हैं हुजूर, और अग्रहरी वैश्य का चर्चा पूरे अगर हमारे सिस्टम में हो जाए कि भाई अग्रवाल अग्रहरी वैश्य हैं, तो कोई भी जिला में जिला पदाधिकारी या वहां के जो सिस्टम के पदाधिकारी हैं उनको कम से कम पिछड़ी जाति का सर्टिफिकेट बना के दिया करेंगे। हमारे माननीय सदस्य भी एक अशोक अग्रवाल जी यहाँ हैं, इनको भी मालूम होगा कि ये जब भी सर्टिफिकेट बनाने जाते हैं तो इनका सर्टिफिकेट नहीं बनता है। इसलिए सरकार को इसकी चिंता करनी होगी कि अग्रवाल समाज को डिफाइन किया जाए कि आखिर अग्रहरी वैश्य का उनको जो है जब भी जरूरत पड़े तो पिछड़ी जाति का सर्टिफिकेट मिले उनको। बस इतना ही कहना था हुजूर। एक लोहार जाति भी है अपने बिहार में, वो भी किसी कास्ट अति श्रेणी में नहीं आ रहे हैं, तो बधाई दे दीजिए, पढ़ दिया ना। जैसे अब क्वेश्चन जातीय का है और ये क्वेश्चन मेरा नहीं है, ये क्वेश्चन बिहार के समाज के लोगों का है, क्वेश्चन भाजपा का है या दिलीप का है। आप भी उसी जनप्रतिनिधि वहीं से जीत के आते हैं जहाँ से हम लोग आते हैं, अगर मनोनीत है तो अलग बात है। तो माननीय सदस्य इधर आसन की ओर मुखातिब होकर बात किया करें, अपने आप में चर्चा नहीं। वो बोलते हैं तो कुछ दे दीजिए ना, कौन सा विषय है माननीय सभापति जी? ये सदन में आएगा आपके माध्यम से कहेगा तो ये व्यापक सर्वेक्षण हो जाए, इस पे सरकार का क्या फैसला है? दूसरा, समुदाय विशेष की जातीय श्रेणी का विभाजन का आशय स्पष्ट नहीं होता है, तो इसी के लिए सर्वेक्षण कराना चाहते हैं तो समय रहते इसका भी सर्वेक्षण, सबका सर्वेक्षण जब हो रहा है तो इसका भी सर्वेक्षण हो जाए, यह हम सदन में मांग करते हैं माननीय मंत्री से और आसन के माध्यम से। महोदय, बात अग्रवाल समाज की हो रही है और मैं अग्रवाल समाज से आता हूँ तो मैं भी कुछ जानकारी माननीय सदस्यों को और आसन को देना चाहता हूँ। 1889 में ही यह तय हो गया था कि अग्रवाल समाज अग्रहरी समाज एक है और लिखा गया था कि इनका काम कृषि और व्यापार है, तब से अग्रहरी श्रेणी में अग्रवाल समाज आते हैं और बिहार की सेवा कर रहे हैं, कहीं धर्मशाला, कहीं गौशाला, कहीं अनाथालय, कहीं वृद्धाश्रम, हर तरह का काम यह समाज करता आ रहा है। और सामान्य प्रशासन विभाग में गृह सचिव जब सुभानी साहब थे उनके नाम से एक प्रपत्र भी जारी हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि अग्रहरी वैसे हैं अग्रवाल समाज, ये डाटा है। और अभी भी हाल में अग्रवाल समाज ने मुख्य सचिव को और सामान्य प्रशासन के प्रधान सचिव को दिया था कि अभी जो गणना चल रही है उसमें
पिछड़ा वर्ग में अग्रहरी शामिल किया जाए, तब बताया गया कि अभी श्रेणी नहीं किया जा रहा, पिछड़ा वर्ग सिर्फ लिखा जा रहा है, तो वैसे समाज लिखा जाएगा। लेकिन जो दिलीप बाबू ने यह प्रश्न उठाया है इस तरह का, और जो सरकार का उत्तर आया है, उसमें यह तय कर दिया जाना चाहिए कि अग्रहरी वैश्य जो पिछड़ा वर्ग की कोटि में वर्णित है, तो अग्रवाल समाज को अग्रहरी वैश्य का ही जाति प्रमाण पत्र मिले, ये इसको तय कर दिया जाना चाहिए। क्योंकि मुख्य सचिव और सामान्य प्रशासन भी इस पर सहमत है, और पहले भी इसके लिए चिट्ठियां निकल चुकी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति। हो गया पक्ष और विपक्ष से हट के आप जो शुरू में शुरुआत की